ब्रिटिश काल के अंग्रेजों के जमाने की कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर पिछले 70 साल के से सेना को अपने दफ्तर बनाने पड़े, जिनको आप कम से कम सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। उनमें से एक इमारत यह है, इसको पहले एक घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल की तरह इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के जमाने में, फिर इसको दफ्तर में बदल दिया। तो आप किस तरीके की जगह में काम करते हैं उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है। मैं पहले आपको फॉल सीलिंग की बात कर रही थी, ये देखिए आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि इस जगह में बैठना कितना असुरक्षित होगा किसी के लिए। ये सारी एक्सपोज्ड बीम्स हैं जो कि कम से कम 5 से 6 दशक पुरानी है, उनको बार बार कोशिश करके ठीक किया गया है, फॉल सीलिंग लगाई गई है, रीवायरिंग की गई है, दीवारों पे पुताई की गई है, पर जो चीज़ है ही जर्जर, जो 70-80 साल पुरानी है, उसको आप कितना ही ठीक कर लें। पुरानी बिल्डिंग में जहाँ पर जगह जगह तारे निकली हुई थी, समझ में नहीं आया था कि कब किस दिन कोई हादसा हो सकता है, कहीं आग ना लग जाए, यहाँ पर उन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तो चाहे काम आप कुछ भी करें, चाहे आप किसी आईटी कंपनी में हो या आप सेना में हो, काम तो काम होता है, और उस काम को अच्छे से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए आपको इन सुविधाओं की ज़रूरत है ही है। तो यहाँ पर जहाँ आपका वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, मॉडर्न फैसिलिटी है, कुछ नहीं तो आप देखिए महिलाओं के लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए अलग वॉशरूम बनाए गए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसको एक्सेस रखा गया है, जो सिक्योरिटी का पूरा एक इंतज़ाम किया गया है, राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस है। वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें सर्वेलेंस करना इतना आसान नहीं था, यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि एक जो पहले फैले हुए थे करीब 60 एकड़ में पूरा वो कॉम्प्लेक्स फैला हुआ था, उसको अब करीब 13 से 14 एकड़ में सीमित कर दिया गया है, एक बिल्डिंग के अंदर सारे दफ्तर होंगे।